हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, विच इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट. सो नाम से ही क्लियर है, यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट मींस द रिजल्ट विल बी वेक्टर. नाउ ए क्रॉस बी, सो इट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, where theta is angle between vector A and vector B, and this represent direction because cross product, it is a vector quantity, it has both magnitude as well as direction. सो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी. सो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड. सो जो एन कैप है, यूनिट वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, सो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? लाइक दिस, ए को हम रोटेट करेंगे बी की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो ये जो एन है, ये क्या होगा? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज एन कैप. अब हम निकालेंगे इसी का मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड मतलब ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा. ओके, एंड अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप. वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1. सो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है. इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. सो वॉट इज एन कैप हेयर? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी बार. सो एन कैप कैसे निकालेंगे? वेक्टर अपॉन इट्स मॉड. सो क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी, क्योंकि ये एन कैप की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर ए क्रॉस बी की. सो एन कैप क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज इफ ए क्रॉस बी इज लाइक दिस, सो देन बी क्रॉस ए लाइक दिस. एक अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा इनवर्ड डायरेक्शन में. सो बी क्रॉस ए क्या होगा? मॉड बी मॉड ए साइन थीटा. बट अगर यहां पर एन कैप है तो इसमें क्या आ जाएगा? माइनस एन कैप. सो देयरफॉर बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी. सो दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बट देयर मैग्नीट्यूड्स क्या रहेंगे? सेम. नाउ साइन थीटा. साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, दिस इज, सी दिस वन, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी. अब जरा हम सिमिलैरिटी देखते हैं. ये मैं फिगर रब करती हूं एंड हम सिमिलैरिटी देखते हैं स्टूडेंट्स डॉट वाले में. अब डॉट वाला याद करते हैं. ए डॉट बी. ए डॉट बी क्या होता था? हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. दिस इज डॉट प्रोडक्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट. इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. इन दिस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए. दोनों इक्वल होते हैं. और यहां से कॉस थीटा कितना आता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी. तो साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ए मॉड बी. और कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी. नाउ इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, अगर ए और बी कोलिनियर हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो. कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर है या दे आर पैरेलल.
तो उनके बीच का एंगल क्या रहेगा? जीरो. सो ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन जीरो एन कैप. बट साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो. तो इसलिए ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? जीरो. और यहां पर अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी दे आर परपेंडिकुलर, मींस एंगल बीच में क्या बनेगा? 90 डिग्री. और हमें पता है कि कॉस 90 क्या होता है? जीरो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो याद रखनी है कि जब दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर होंगे, पैरेलल होंगे, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि अगर वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर तो उस केस में क्या होता है? ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो. इसका उल्टा क्या होगा? इफ ए क्रॉस बी इज जीरो, तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, या फिर दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? पैरेलल. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ए डॉट बी जीरो, तो मॉड ए जीरो मॉड बी जीरो, या फिर ए परपेंडिकुलर टू बी. तो याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मतलब वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल है. ओके, अब हम यहां से रिजल्ट निकालेंगे. व्हाट इज ए क्रॉस ए? ए क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस ए मतलब कोलिनियर वेक्टर, राइट? इनके बीच में भी एंगल कितना होगा? जीरो. तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? जीरो. कैसे आया? मॉडे मॉडे साइन जीरो एन कैप. साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए जीरो. सो ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, कुछ भी आएगा, सी क्रॉस सी, वी विल राइट हेयर जीरो. लेकिन डॉट में क्या लिखते थे हम? ए डॉट ए को लिखते थे मॉड ए स्क्वायर. मॉडे मॉडे कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है. सो ए डॉट ए कितना हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर. अब मुझे बताओ, इसी के बेसिस पर आई क्रॉस आई, सॉरी, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये भी सब क्या हो जाएंगे? जीरो. क्योंकि आई आई के बीच में एंगल जीरो, जे और जे के बीच में एंगल जीरो, के एंड के बीच में एंगल जीरो. अब हम देखते हैं, ये आई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये आई, ये जे, ये के. सो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ये क्या होगा? के. परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी, परपेंडिकुलर टू आई कैप एंड जे कैप. तो दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा है? के कैप. जे क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा? आई कैप. के क्रॉस आई, ये क्या हो जाएगा? जे कैप. सो क्या लिखेंगे? आई क्रॉस जे, ऐसा लिख देते हैं, आई जे के. सो ये क्या होगा? आई क्रॉस जे के कैप. जे क्रॉस के, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप. बट अगर यहां पर जे क्रॉस आई होगा, ऑर्डर बदल गया ना, जे क्रॉस आई उल्टी डायरेक्शन, तो माइनस के, के क्रॉस जे माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस जे. तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा ये, ठीक है? अब हमने ये लिया एक पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स है ए एंड बी. ए बी है ए बार, ए डी है बी बार, और ये एंगल है थीटा, ठीक है? सो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है? साइन थीटा. सो ये डी पी हाइट, ये कितनी आ जाएगी? मॉड बी साइन थीटा. ओके, निकाल लेते हैं यहां पर डी पी, ये परपेंडिकुलर है, डी पी अपॉन ए डी इक्वल्स टू साइन थीटा. ट्रिग्नोमेट्री में अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो देयरफॉर डी पी क्या हो जाएगा? डी पी हो जाएगा मॉड ए डी साइन थीटा.
दैट इज मॉड बी साइन थीटा. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया? बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. नाउ व्हाट इज बेस? बेस क्या है? ए बी, दैट इज मॉड ए. और हाइट कितना है? मॉड बी साइन थीटा. व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? मॉड ए, मॉड बी साइन थीटा, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. इट मींस जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो देयरफॉर अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स दी हैं, बीच का एंगल दो एडजेसेंट साइड्स दिए, तो क्या हो जाएगा? हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू इवेल्युएट ए क्रॉस बी. सपोज वेक्टर ए इज ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी बार इज बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के. तो ए डॉट बी कैसे निकालते थे? आई विद आई, जे विद जे, के विद के. तो कितना आता था? ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री. अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं डिटर्मिनेंट की. फर्स्ट रो में लिखते हैं आई जे के, सेकेंड रो में लिखेंगे ए के कंपोनेंट्स, और थर्ड रो में लिखेंगे बी के कंपोनेंट्स. और सेम जैसा डिटर्मिनेंट निकालते हैं ऐसा ही निकालेंगे. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई, ये क्या हो जाएगा? ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, देन माइनस जे, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, प्लस के, ए वन बी टू बी वन ए टू. ओके, दिस इज ए क्रॉस बी. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4. फर्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इज गिवन, बी वेक्टर इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी. सो पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी, टू आई प्लस थ्री जे माइनस के, फोर जे प्लस टू के. ये कितना हो जाएगा? टू आई प्लस आई थ्री आई माइनस जे प्लस के. अब हम निकालेंगे ए माइनस बी, ए बार माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आई प्लस फोर जे माइनस टू के. सो ये कितना आएगा? टू आई माइनस आई आई प्लस सेवन जे माइनस थ्री के. दिस इज ए बार माइनस बी बार. अब हमें दोनों वेक्टर्स का, इसे अगर हम फर्स्ट लेते हैं एंड दिस एज सेकेंड, सो हमें निकालना है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी. और क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? दिस वी कैन राइट आई प्लस माइनस प्लस थ्री माइनस सेवन माइनस जे माइनस नाइन, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस वन, प्लस के ट्वेंटी वन प्लस वन, ट्वेंटी वन प्लस वन. सो ये हो जाएगा माइनस फोर आई माइनस टेन माइनस प्लस टेन जे प्लस ट्वेंटी टू के. दिस इज ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार. दिस इज द आंसर. आते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स. सो स्टार्ट कैसे करेंगे? इनका नेम नहीं दिया, तो लेट ए बार, इसमें आई नहीं है, तो जीरो आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप
एंड बी बार ले लेते हैं आई प्लस जे प्लस जीरो के। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार क्या होगा, ये दिस इज ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सो दिस वी कैन राइट ए क्रॉस बी। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी आई जे के जीरो वन टू वन वन जीरो। सो कितना आएगा, प्लस माइनस प्लस। ओके ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई जीरो माइनस टू माइनस जे जीरो माइनस टू। ओके अब आते हैं प्लस के, ये हाइड करेंगे, जीरो माइनस वन। सो कितना हो जाएगा, माइनस टू आई माइनस माइनस प्लस टू जे माइनस के, दिस इज ए क्रॉस बी। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सो रूट में माइनस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। सो ये हो जाएगा फोर प्लस वन रूट नाइन। ओके सो ए क्रॉस बी भी आ गया, उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो एन कैप पुट कर देते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सो ये क्या हो जाएगा, रूट नाइन मतलब कितना, थ्री। तो ये हो जाएगा माइनस टू आई प्लस टू जे माइनस के अपॉन थ्री। और यू कैन राइट प्लस माइनस माइनस टू बाय थ्री आई प्लस टू बाय थ्री जे माइनस वन बाय थ्री के। दिस इज द आंसर, दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ ए डॉट बी इज रूट थ्री, ए क्रॉस बी इज ऑल्सो गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। सो लेट अस टेक दैट एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स बी थीटा। थीटा मान लेते हैं यहाँ पर। सो वॉट इज गिवन, ए डॉट बी इज रूट थ्री। ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंड इसको मार्क कर देते हैं फर्स्ट। नाउ ए क्रॉस बी इज गिवन टू आई प्लस जे प्लस टू के। सो वॉट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, टू स्क्वायर वन स्क्वायर टू स्क्वायर टू वन टू। सो ये कितना हो जाएगा, फोर प्लस वन प्लस फोर रूट नाइन, दैट इज थ्री। ओके सो ये ए क्रॉस बी कितना आ गया, थ्री। नाउ ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज थ्री। क्या फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ओके इसे मार्क कर देते हैं हम सेकंड। अब हमें निकालना है थीटा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए से मॉड ए मॉड बी से मॉड बी। सो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा रूट थ्री। अब टेन में रूट थ्री वैल्यू किस एंगल की होती है, सो टेन थीटा 60 डिग्री की। सो देयरफॉर थीटा कितना, 60 डिग्री, दैट इज वी कैन राइट एंगल बिटवीन ए एंड बी
इज 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू सेकेंड, ए बार बी बार दिया हुआ है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। सेकेंड क्वेश्चन में था यूनिट वेक्टर, यहाँ पर है मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सो हम क्या निकालेंगे, पहले निकालते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, आई जे के 2, 1, -3, 1, -2, 1। सो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 6 माइनस जे, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस -3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, देन प्लस के -4 -1। सो ये हम लिख सकते हैं कितना, -5i -5j -5k, दिस इज ए क्रॉस बी। अब हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25, ये हो जाएगा √75, जिसे हम लिख सकते हैं 5√3। सो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दैट इज प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये है ए क्रॉस बी और इसका मैग्नीट्यूड है 5√3। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक -5 कॉमन, सो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के अपॉन 5√3। 5 से 5 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3। ये तो हो गया स्टूडेंट जितना हमने सेकेंड में किया था यूनिट वेक्टर, लेकिन यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 5। सो देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सो ये क्या हो जाएगा, 5 n कैप, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस 5/√3 आई प्लस जे प्लस के, दिस इज द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, इन विच यू डॉट वी हमें निकालना है। मॉड ऑफ यू दिया है, मॉड ऑफ वी दिया है एंड मॉड ऑफ यू क्रॉस वी भी हमें दिया है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पर मॉड ऑफ यू क्रॉस वी, यू डॉट वी क्या होता है, रफ में लिखते हैं व्हाट इज यू डॉट वी, मॉड यू मॉड वी कॉस थीटा, ये भी है ये भी है, लेकिन कॉस थीटा हमारे पास नहीं है, तो कॉस थीटा तो निकालना पड़ेगा, वो इसकी हेल्प से निकालेंगे। क्या होता है, मॉड यू मॉड वी साइन थीटा, व्हाट इज दिस, 8 रख देंगे, इसके प्लेस पर 2, 5 और ये हो गया साइन थीटा। तो देयरफॉर साइन थीटा कितना, 8/10, दैट इज 4/5। साइन थीटा की वैल्यू हो गई है 4/5। सो व्हाट इज कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - sin² θ एंड कॉस थीटा हो जाएगा √1 - sin² θ, 1 - 4/5². सो ये हो जाएगा 1 - 16/25। सो देयरफॉर कॉस थीटा कितना, 25 - 16/25, कॉस थीटा 9/25। सो कॉस थीटा हो जाएगा +-3/5। अब कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो देयरफॉर यू डॉट वी,
मॉड यू मॉड वी कॉस थीटा. मॉड यू के प्लेस पर 2, 5, कॉस थीटा कितना है प्लस माइनस 3/5, 5 से 5 कैंसिल. सो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6 u डॉट v. अब प्लस कब होगा, सो u डॉट v इक्वल टू 6 इफ थीटा इज एक्यूट, मींस 0 और 90 के बीच में. तो ये क्या आएगा पॉजिटिव. एंड u डॉट v ये नेगेटिव कब आएगा, जब थीटा क्या होगा 90 से ग्रेटर एंड 180 या 180 से लेस. सो ऑप्टियस के केस में नेगेटिव, थीटा एक्यूट होगा तो पॉजिटिव. तो यू डॉट वी की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 6. स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट विच इज सिमिलर टू फर्स्ट वन, बट अब हमें निकालना है मॉड ऑफ यू क्रॉस वी. सो यू क्रॉस वी मॉड क्या होता है, मॉड यू मॉड वी साइन थीटा. हमारे पास साइन थीटा नहीं है तो हम साइन थीटा निकालेंगे यू डॉट वी की हेल्प से, मॉड यू मॉड वी कॉस थीटा. सो 10 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 12. सो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा 12/10 × 2. ओके, ये फाइनली कितना आ गया, कॉस थीटा हो गया 3/5. कॉस थीटा इज 3/5. तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस कितना 1 ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3/5 स्क्वायर. सो देयरफॉर साइन थीटा हो जाएगा 16/25. सो साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, सो स्टूडेंट्स साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे 4/5. अब तुम लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि यहां पर हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो क्या हो सकता है 0 से लेकर 180 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेकंड, दोनों में साइन क्या होता है पॉजिटिव. साइन तो नेगेटिव नहीं होता, फर्स्ट में भी सेकंड में भी पॉजिटिव. सो देयरफॉर यू क्रॉस वी मॉड ऑफ यू मॉड ऑफ वी साइन थीटा 10 × 2 4/5. सो ये कितना हो जाएगा 16, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.